हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो छठ का त्यौहार आ रहा है और नदी पे जाना है बेदी बनाने, क्योंकि वहाँ पे दोस्त वेट कर रहे हैं। गाइस चलते हैं, मजा आने वाला है नदी पे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने नदी पे और आप देख सकते हैं पीछे तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं और बेदी बन रहा है यहाँ पर छठ पूजा के लिए। और गाइस मैं बता दूं कि इस साल जो है समस्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जल स्तर है जो नदी का वो अभी तक घटा नहीं है। नहीं तो नदी के नीचे जा कर के छठ पूजा होती थी, लेकिन इस बार जो है बंधे के किनारे हो रहा है, सारा व्यवस्था बंधे के किनारे हो रहा है। सुबह से मेरे दोस्त 2 से 3 घंटे पहले से आ करके बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। दिलीप भाई भी आ चुका है, तो मैं दिलीप भाई से पूछूंगा कि इस साल समस्या है कि नहीं छठ पूजा में बेदी बना रहे हो। नमस्ते। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि इस बार जून जुलाई अगस्त में बाढ़ उड़ाता था, इसमें मतलब अक्टूबर में आ गया है। इस बार तो जल स्तर कमी नहीं हुआ है नदी तो का, ज्यादा आ गया बाढ़, तो अब घटने में समस्या हो रही है। तो घटा नहीं है, दांती पाक पानी रुक गया है। हम कहना चाहते हैं इस समय बहुत समस्या है, जो कि महिलाएं पानी में जा नहीं सकती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पर जाकर पूजा करती थी आधा आधा पानी में घुसकर, मतलब वही मान्यता है कि पानी घुसने पर भी पूजा मान्य होता है छठ मैया का, तो इस बार नहीं घुस पाएंगी। तो आपको दिखाना चाहते हैं ये जो पोखरी है। अच्छा, ये इसी में मतलब हो सकता है महिलाएं जाएं, इसमें जल भराव करके और इसमें पूजा कर सकती हैं। तो व्यवस्था यही हो रहा है और बहुत बड़ी समस्या भी है। जगह भी मतलब बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है पहले जैसा, बहुत कम जगह भी है, लेकिन होगा किसी तरह से भी समस्या का समाधान होगा। और मैं बता दूं, छोटा भाई शिव कुमार भी काफी मेहनत 3 घंटे से कर रहा है। कुमार, इस बार समस्या ज्यादा लग रहा है बंधे पे, क्या कहना चाहोगे? गर्मी गर्मी हो गया भाई। कहना ही चाहेंगे समस्या इस बार है, 2 साल से समस्या हो रहा है, इसलिए बेदी हम लोग ऊपर बना रहे हैं। इधर माटी पूरा गीला है, तो सूखा माटी फेंक के उसे बराबर कर रहे हैं हम लोग, ताकि मतलब फैमिली को बैठने में दिक्कत ना हो। भाई गर्मी गर्मी हो चुका है, क्योंकि 3 घंटे से मेहनत कर रहा है भाई, मुझे भी अभी पता चल रहा है। तो मेरे घर तो ऐसे कोई व्रत रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ, मदद करता हूँ भाई लोगों का। और सारे दोस्त थक गए हैं, अभी कुछ काम बाकी है, तो भाई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुबह आएंगे तो उस काम कार्य को पूरा करेंगे। नहीं, अभी टाइम है, मतलब 30 तारीख को है ना शाम को, अभी टाइम बहुत है, मतलब तो अभी टाइम है फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई बंधे पे दौड़ते भी हैं लोग, आर्मी वाला वो देखते भी हैं। 50% जो समस्या का निवारण हुआ है शिवम भाई के चलते हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत शिवम भाई का है। तो शिवम भाई क्या कहना चाहोगे? तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ अपने चौराहे पे और मैं आपको चौराहे का नजारा दिखाता हूँ। आप जहाँ पर भी देखेंगे फल ही फल दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि चौराहे पे बस फल ही बिकता है। तो ये है छठ का तैयारी, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है चौराहा। फल के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ भी बिक रहा है बंधे पे फोड़ने के लिए, क्योंकि कल छठ पूजा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कभी इतना विशाल पड़ाका फोड़ा नहीं हूँ, और 70 रुपये का पड़ाका मैं फोड़ने जा रहा हूँ, और आप भी देखिए बहुत ही मजा आएगा। और हम कैमरामैन, हम आपको दिखाएंगे जब कैमरामैन शिव कुमार के साथ, तो आप लोग देखिएगा। तो गाइस आपने देखा कितना विशाल पड़ाका रखे भैया, तो मैं अभी उनसे कम करवा रहा हूँ, कह रहा हूँ भैया अगर 70 रुपये कुछ कम करिए। और एक नया पड़ाका दिखा दो, क्योंकि मेरे पास 85 रुपये हैं, तो अगर भैया मान जाते हैं तो भी फोड़ता हूँ मैं बहुत विशाल पड़ाका, तो भैया दे दीजिए 50 में। सामने ले लिया विशाल पड़ाका जो 70 रुपया इसका प्राइस है, और मैं बता दूँ बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इतना विशाल पड़ाका फोड़ने जा रहा हूँ, और आप वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आएगा आपको भी, क्योंकि इसका प्राइस 70 रुपये था और मैंने भैया को 50 रुपये दिए और भैया मान भी गए हैं। तो फोड़ते हैं गाइस, बहुत ही मजा आने वाला, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं इसका आवाज क्या कहता है, और काफी मुझे डर भी लग रहा है, तो देखते हैं। मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं इतना विशाल पड़ाका कभी फोड़ा नहीं हूँ, कभी भी दीपावली हो या छठ पूजा हो, लेकिन मैं देखा हूँ तो मुझे बहुत मन किया फोड़ने का, तो देखते हैं इसका आवाज़ क्या है। मैं तो बोला शिव कुमार तू ही फोड़ो भाई, बहुत डर लग रहा है। नहीं, आप फोड़िए, हम एक फोड़े हैं अभी।
आपने सुना होगा कि इसका आवाज कितना विशाल था। मैं तो आपको रियली बता दूं, मैं भाग गया था, पटाखा जला के ज्यादा दूर भाग गया था, काफी दूर भाग गया था मैं। तो अभी कुछ ही नजारा था, अभी मैं आपको पूरी चौराहे का नजारा दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं, पूरे चौराहे का नजारा आपको दिखाते हैं, छठ का माहौल। तो गाइस कई प्रकार के फल देखने को मिले हैं हमारे चौराहे पे, वो भी एक साल के बाद। और आपको बस सीजन में अंगूर खाने को मिलेंगे, लेकिन इस साल अंगूर भी है तो भैया तो देख नहीं रहे, मैं धीरे से रख लेता हूँ। और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, इसको हम खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, भैया तो उधर देख रहे हैं। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस पहली बार ड्रैगन फ्रूट का हम लोग आनंद लेने जा रहे हैं, और देखते हैं इसको काटते हैं क्या है अंदर कैसा है, मैं तो पहली बार खाने जा रहा हूँ तो देखते हैं। और ड्रैगन फ्रूट जो कटिंग करने का तरीका है दिलीप भाई को पता है, मैंने भी इसको कॉल करके परमानेंटली इसको काटने के लिए बुलाया है, तो दिलीप भाई इसको काटेगा किस अंदाज से किस तरीके से भाई बताएगा। आप एक अधूर बात बता दो कि इनको जो जीजा जी थाईलैंड में रहते हैं जहाँ पे इसकी खेती होती है, तो भाई के घर हमेशा आता रहता है साल में, तो भाई बता रहा है कैसे क्या है, क्या इससे फायदे हैं, तो भाई कटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे करता है भाई। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये दिलीप भाई मीठा भी होता है क्या? हाँ, ये मतलब कई फ्लेवर में आता है, पीला भी आता है, लाल भी आता है, चॉकलेटी फ्लेवर, नहीं ये सब नहीं, बनाना फ्लेवर, खट्टा फ्लेवर। अच्छा आपके रियल इसके अंदर भी निकलेगा, देखिए तीन लेयर में होगा, दो लेयर में, दिलीप भाई वो आपके रिलेशन के जो थाईलैंड में रहते हैं सब, जीजा जी हैं। हाँ, लाल वाला है, एक सफेद भी आता है, देखिए क्योंकि एक्चुअली जब आप बात करते हैं उनसे तो ये ड्रैगन फ्रूट जब आपको दिखाते हैं तो पीला वाला हम देखे हैं एक बार, ये भी आता है, इससे बड़ा भी आता है, लेकिन वो 100 रुपए में आता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये है, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट हो, बहुत बहुत ही शानदार, खाने में देखते हैं कैसा लगेगा। इसके अंदर से काटते हैं, अंदर वाला भाग देखिए आप लोग, ये देखिए कितना 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 बहुत अच्छा शानदार, देखने में इतना शानदार लग रहा है तो खाने में और अच्छा लगेगा। इसे टेस्ट करता हूँ, दिलीप भाई कोई भी सामान छोड़ता नहीं है, कैसा लग रहा है? अब मैं भी खाना चाहता हूँ। दुकानदार भैया से पूछा भी था तो बहुत से फायदे बता रहे थे, बोल रहे अगर आप डेली खाते हो तो बहुत फायदा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता बहुत तेज। अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम अंदर का। तो गाइस ये रोजाना तो मिलता नहीं हमारे चौराहे पे, वो तो छठ का त्योहार था तो साल में एक बार आता है फल, क्योंकि ज्यादा महंगा है तो यहाँ पे कोई ज्यादा महंगा लेता नहीं है ड्रैगन फ्रूट। मैं अभी पहली बार खा रहा हूँ, और मैं अभी पहली बार खा रहा हूँ, भैया का नजर कहीं और था तो मैं धीरे से झटक लिया हूँ, तो इतना तो चलता है। कोई भी सामान हम लोग मिल बांट के खाते हैं। अभी तो अभी छोटा भाई है मेरा चंदन, कहीं पे बात कर रहा है, दिख नहीं रहा है, और शर्मा भी रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आकर थोड़ा सा वो भी टेस्ट करे, छोटा भाई। छोटा भाई भी आ गया है, शर्मा रहा था, लेकिन भाई को टेस्ट करके बताएगा कि कैसा है। मैं चाहूंगा कि सीके जी खा के छोटा भाई चंदन कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत लाजवाब लग रहा है। बहुत ही लाजवाब छोटा भाई। तो अभी मैं और झटक कर लाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, और खाऊंगा। मैं बता दूं कि हर साल के बाद इस साल भी दिलीप भाई जो है जो गन्ने की खेती उसका, तो हर साल भाई गन्ना दो दो गन्ना मतलब फ्री में देता है, वो बोलता है कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है, छठ मैया जो है वो मनोकामना पूरा करते हैं। और भाई भी देख लीजिए पीछे जो है गन्ना भी लेकर। तो भाई खेती है खुद की, हाँ, दो तीन बीघा है। तो दिलीप भाई ये पूरा विश्वास है कि मनोकामना पूरा होता है ऐसा करने से, दान करने से। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, तभी ना सब माताएं बहने मतलब व्रत रखती हैं। हाँ, सब क्लीन रखती हैं माताएं। हर साल मतलब करते हो तुम, दो दो हर साल, लगभग हम 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल से, बचपन से। ये कितने साल से खेती हो रही भाई? मतलब हमारे दादा वादा करते थे, मतलब तो मैं भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है दिलीप भाई, मैं बता दूँ। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद।